हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि डिस्काउंट जो है वो निकालते कैसे हैं। कई बार हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ था, जैसे 25% की छूट, 30% की छूट। उसी तरीके से कई बार हमें MRP, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जैसी चीज़ें दी होती हैं और बोलता है डिस्काउंट कितना होगा। काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है ना, बट आज के बाद आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जरा भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। मैं आपको सिखाने वाली हूँ 3 ऐसे एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप डिस्काउंट का 100% कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और हर क्वेश्चन को इजिली बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एग्जाम्पल से। सपोज करिए कि आप कहीं शॉप पे गए हैं और एक जीन्स आपको खरीदनी है। इस जीन्स का MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस और लिस्ट प्राइस, या जिसको हम प्राइस टैग, असली कीमत बोलते हैं हिंदी में, वो आपको दिया गया है 2000 रुपए। सो 2000 रुपए की जीन्स है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें न्यू ईयर या फिर कोई दिवाली ऑफर चल रहा है और आपको मिल रहा है छूट यानी कि डिस्काउंट। और डिस्काउंट प्राइस टैग के साथ साथ एक दूसरे टैग पर लिखा हुआ है 250 रुपए, यानी 250 रुपीज का डिस्काउंट। अब सवाल ये है कि ये जीन्स जब आपने खरीदी तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ा, या फिर ये डिस्काउंट जो है वो कितने प्रतिशत की छूट है, कितने परसेंटेज का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल फॉर्मूले यूज होते हैं जो एक दूसरे से हाईली रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी आपके मार्केट प्राइस यानी मार्क्ड प्राइस पे आपको कोई छूट मिलती है और आपको कम पैसे पे करने पड़ते हैं, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो हमें होता मिलता है बेसिकली डिस्काउंट। उसी तरीके से अगर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस यानी MRP माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि आपका डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100। और तीसरा फॉर्मूला, डिस्काउंट निकालना है अगर डिस्काउंट परसेंटेज दिया है तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MRP। आई नो फॉर्मूले तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर आपसे बोला जाए फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, कितने प्रतिशत की छूट थी। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, दिस इज बेसिकली आपका जो भी डिस्काउंट है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल MRP जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 100। हम मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का जब हमें परसेंटेज में कन्वर्जन करना होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, राइट। सो डिस्काउंट आउट ऑफ द MRP इनटू 100। What is the discount? कौन कितना दिया है आपको डिस्काउंट, 250 रुपीज का, डिवाइडेड बाय MRP। What is the MRP? 2000 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कैंसिल आउट करते हैं, जीरोज कैंसिल हो गए, दो जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, तो हमें मिल रहा है 25/2। 25 डिवाइडेड बाय 2 इज 12.5%। तो ये आ गया आपका डिस्काउंट परसेंटेज। इसके बाद पूछा गया है सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस आपके पास डिस्काउंट है, MRP है, और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, यानी फर्स्ट फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सो लेट अस यूज द फॉर्मूला, डिस्काउंट इज MRP माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट दिया है 250 रुपीज का, MRP है 2000 रुपए की, और सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता। ये हो गया आपका एक सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है। तो आपका जो 250 है वो यहाँ आएगा और जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ आएगा। तो सेलिंग प्राइस विल बी 2000 माइनस 250। 2000 में 250 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1750 रुपीज। तो ये है आपकी सेलिंग प्राइस। देखा कितना आसान है, आपको अगर MRP और डिस्काउंट दिया है तो आप डिस्काउंट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस इन दो फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं।
इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं आपको एक स्कूल बैग खरीदना है और स्कूल बैग का MRP दिया गया है 1200 रुपए, 1200 रुपीज, और इस पे आपको डायरेक्टली डिस्काउंट रुपीज में ना देकर परसेंटेज में बताया गया है कि 25% का डिस्काउंट है इस बैग को खरीदने में। तो ये 25% का डिस्काउंट हम डिस्काउंट रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वंस अगेन ये तीन फॉर्मूले हमारे काम आएंगे। लेट्स सी। तो अब हमें निकालना है डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। सिंपल है, डिस्काउंट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है थर्ड फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे। डिस्काउंट जो है वो होता है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MRP, मतलब जो भी आपको छूट दी गई है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? 25% की छूट है, किस पे छूट है? MRP पे, जो उसका ओरिजिनल दाम था उस पे आपको छूट दी गई है, यानी कि 25% की छूट है MRP पे। MRP है 1200 रुपए, इसका मतलब 25%। परसेंट को हम वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 100, डिनोमिनेटर में 100 लगाकर। ऑफ का मतलब होता है इनटू 1200। अब ये सॉल्व करिए, जीरोस जीरोस कैंसिल, 25 × 12 आया ₹300। सो आवर डिस्काउंट इज, हमें डिस्काउंट मिला है 300 रुपए का। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? डिस्काउंट परसेंटेज इनटू MRP, 25% ऑफ MRP। किसका 25%? हमेशा MRP का 25% होगा, जो उसका टैग प्राइस है उसका 25% होगा हमेशा, कभी भी सेलिंग प्राइस का नहीं होगा डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस वो पैसा है जो आप फाइनली पे करते हो, है ना। अब इसी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस। तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि डिस्काउंट जो है वो हमें मिल रहा है 300 रुपीज का, सेम इसी क्वेश्चन में। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करके। हमें डिस्काउंट पता है, MRP पता है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, MRP माइनस सेलिंग प्राइस इज डिस्काउंट। MRP है 1200 रुपीज की, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, डिस्काउंट हमने निकाला, कैलकुलेट किया 300 रुपीज। वंस अगेन ये सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? जब आपके एक साइड से दूसरे साइड कोई टर्म जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब 300 इस तरफ आएगा तो वो -300 बन जाएगा, और जब सेलिंग प्राइस राइट हैंड साइड जाएगा तो वो प्लस सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 1200 - 300 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 1200 - 300 इज 900। सो 900 इज द सेलिंग प्राइस। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग इज ₹900। इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं शूज का, ठीक है। तो अब जीन्स खरीदी है तो उसके नीचे शूज तो पहनना ही पड़ेगा ना। तो शूज का हमें पता है MRP यानी टैग प्राइस ₹700, और इसी तरीके से हमें बताया गया कि ये जो आपका टैग प्राइस है ना, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 665 रुपीज पे करने हैं। तो आप बोलोगे, हैं ऐसा क्यों, 700 रुपए का शूज और सिर्फ 665 पे करना है? वेल, जरूर कोई ना कोई डिस्काउंट मिला होगा। तो ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाए? सबसे पहले हमें MRP पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो हम डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट होता है MRP माइनस सेलिंग प्राइस। MRP दी गई है 700 रुपए, सेलिंग प्राइस है 665 रुपीज। सो 700 - 665 इज 35 रुपीज।
सो हमें डिस्काउंट मिल गया 35 रुपीज का, चलो कुछ तो बचत हुई। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डिस्काउंट परसेंटेज, कि कितने प्रतिशत की छूट मिली, कितने परसेंटेज डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, जितना आपको डिस्काउंट मिला अपॉन उसकी एमआरपी कितनी थी। क्योंकि देखो फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल में से कितना है, तो टोटल एमआरपी में से कितना डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो डिस्काउंट है 35 रुपीज का, एमआरपी है 700 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 7 1 7, 7 5 35। तो हमारा आंसर आया 5%। सो डिस्काउंट हमें मिला है 5% का। देखा कितना आसान है। तो बेसिकली आपको हर क्वेश्चन में डिस्काउंट, एमआरपी, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज, इन चार चीजों में से आपको कोई दो चीजें दो दी होंगी और बाकी दो पूछी जाएंगी। और हमने हर टाइप का एग्जांपल सॉल्व कर लिया कि अगर एमआरपी और सेलिंग प्राइस देगा डिस्काउंट निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस देगा एमआरपी निकालना है तो क्या करेंगे, एमआरपी और डिस्काउंट परसेंटेज दिया सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो, वेरी सून आई विल ब्रिंग अनदर वन फॉर यू विथ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट।